गए आ गए मुस्तफा गए आदाब। कैफे न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। दोस्तों बुजुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना साल के सभी महीनों से अफजल और बड़ा ही मुबारक महीना है, क्योंकि ये रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का महीना है। इस महीने के आने के साथ ही सभी अहले इस्लाम खुशी में समर्पित हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल है, मुसलमानों के दिल खुशियों से बाग बाग हैं। आशिकान रसूल और मोमिनों की ज़ुबान पर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगमे हैं। मिंबरों, महराब, खानखाओं, मदरसों में नात नबी की महफिलें सजाई जा रही हैं। इस महीने की एक मुबारक तारीख है 12 रबीउल अव्वल। इस दिन सुबह सादिक को आपके और हमारे आका सरकार दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी सरकार का जन्म हुआ। सरकार दो जहां सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इस दिन को ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है, और हर आशिक नबी इस दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाता है और प्यारे आका पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता है। तो चलिए हम नबी आखिरुज़्ज़मां के विलादत, बासआदत और आका की सीरत के बारे में विस्तार से जानते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लहो खलम तेरे हैं। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए ख़ास महत्व रखता है, क्योंकि इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस विशेष दिन के संबंध में हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने पर खुशी मनाकर अपने रब की इस अजीम रहमत का शुक्रिया अदा करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की खुशी में आशिकान मुस्तफ़ा अपने घरों, अपनी गली और मोहल्लों को रंग बिरंगी रोशनियों और झंडों और खमखमों से सजाते हैं। आखाए दो जहां की शान में दुरूद और सलाम की महफिलें आयोजित की जाती हैं और सरकार की सीरत पाक के जलसे आयोजित किए जाते हैं। इस महीने की 12 तारीख सारे आलम के लिए बड़ी ही मुबारक और शान वाली है। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह को मेरे और आपके प्यारे आका सरकार दो जहां दोनों आलम के दुल्हा, कायनात के मरकज़ अकीदत, अनीस बेकसा, चारा साज़ दर्द मंदा, गरीबों के गम गुसार, फ़कीरों के सरवत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफात, शब असरा के दुल्हा, नौ शेर बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसुल, वजह कुनफिका, फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये आखा की विलादत का दिन है। सरकार की आमद, गमखार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोड़े की आमद, प्यारे की आमद, सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, सरकार दो आलम की दुनिया में तशरीफ आवरी ने दुनिया से बातिल के अंधेरे को ख़त्म शराब पानी की तरह पी जाती थी। धनी आदमी अपनी बेटियों को जन्म लेते ही दरगोर कर देते थे, यानी दफन कर देते थे। ताकतवर कमज़ोर पर हावी था, ग़ुलामों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इंसान तो इंसान, जानवर भी उस दौर में जुल्म का निशाना थे। ऐसे वक्त में हमारे और आपके आका सरकार दो जहां
इस जहालत के अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मुजस्सम तशरीफ़ लाए, गरीबों के लिए ईमान की दौलत लेकर तशरीफ़ लाए, मुनाफिकत को मिटाने के लिए सादिक तशरीफ़ लाए, शराब को ख़त्म करने के लिए आब हयात लेकर आप तशरीफ़ लाए, माँ बहन बेटी के लिए इज़्ज़त व नामूस लेकर तशरीफ़ लाए, ग़ुलामों के आखा बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर। ज़मानों के महबूब मुख्तार जैसा नहीं है कोई मेरे सरकार जैसा, ज़मानों के महबूब वो मुख्तार जैसा है शहर गुलजार जैसा, मदीना है जन्नत के गुलजार जैसा, हुजूर एक निगाह इनायत खुदारा, हुजूर एक निगाह इनायत मुकद्दर है पेशानी पर बार जैसा, मुकद्दर है पेशानी पर बार जैसा है, चारों तरफ रहमतों के उजाले है, चारों तरफ रहमतों के उजाले, तसव्वुर चमकता है अनवार जैसा, मैं कहलाऊं सादिक गुलामे मोहम्मद, मैं कहलाऊं सादिक गुलामे रहे मुझ में कुछ भी न पिंदार जैसा, रहे मुझ में कुछ भी न पिंदार जैसा, जमानों के महबूब वो मुख्तार जैसा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना दुनिया के अंदर इनकलाब बरपा कर दिया, और वो इनकलाब क्यों ना आता, हुजूर पुरनूर प्यारे आखा मदनी ताजदार नबी आखिर ज़मान ने दुनिया में आकर पहले नमाज की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले रोज़े की दावत नहीं दी, हुजूर ने आकर पहले ज़कात की दावत नहीं दी, सरकार ने आकर पहले सदक़ात की दावत नहीं दी, हमारे सरकार ने दुनिया में आकर पहले हज की दावत नहीं दी, हुजूर अकरम ने अपने हुस्न व जमाल से, अपने कमाल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मुस्कुराहट से और अपनी बातचीत से लोगों को अपना आशिक बनाया। हुजूर की मिलाद पर खुशी जाहिर करना ये सच्चे मोमिन और आशिक रसूल अकरम होने की पहचान है। जो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के दिन खुशी मनाता है, उसे रब कायनात की तरफ से बड़ी संख्या में नेमतें और बरकतें नसीब होती हैं। हुजूर पुरनूर की विलादत की खुशी मनाने पर एक काफिर को भी राहत नसीब होती है। हुजूर अकरम प्यारे आखाए सलातुस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर एक काफिर ने खुशी जाहिर की तो अल्लाह ताला ने उसके अजाब में नरमी की। अबू लहब को जब उसकी कनीज सूबिया ने यह खबर दी कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा को लड़का हुआ है, तो अबू लहब को इस खबर से बहुत खुशी हुई और उसने उस खुशखबरी के बदले में उस बांदी को आज़ाद कर दिया। अबू लहब के मरने के बाद किसी ने उसको सपने में देखा और हाल मालूम किया तो अबू लहब ने अपने अजाब में संतप्त होने का हाल बयां किया और कहा कि हर पीर की रात को
उस खुशी के बदले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मुझे हुई थी, मुझसे अजाब में नरमी की जाती है और मेरी उंगलियों से पानी निकलता है जिसको चूसने से मुझे सुकून मिलता है। ज़रा सोचिए, जब काफिर ने प्यारे आका की विलादत पर खुशी जाहिर की तो दोजख में उसके अजाब में नरमी की गई और उसे राहत दी गई। तो जब प्यारे आका साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को सरकार की मीलाद का जश्न मनाने पर अल्लाह रब्बे जुलजलाल की तरफ से क्या क्या इनामात मिलेंगे, इसलिए कहते हैं कि सरकार का इश्क और उनसे मोहब्बत आयन इबादत है और सरकार दो आलम के इश्क और उनसे लगाव के बिना ईमान मुकम्मल नहीं। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि ईमान इश्क अहमद मुख्तार के बग़ैर, ईमान इश्क अहमद मुख्तार के बग़ैर मुमकिन नहीं के छत रहे दीवार के बग़ैर, अंदाज़ा इससे कीजिए उनके मुकाम का, अंदाज़ा इससे कीजिए उनके मुकाम का, कलमा ना पूरा हो सका सरकार के बग़ैर। नात शरीफ के दो शेर, काश लेके जाए ये जिंदगी मदीने में, काश लेके जाए ये जिंदगी मदीने में, काश लेके जाए ये जिंदगी मदीने में, जिंदगी को हासिल हो हर खुशी मदीने में, जिंदगी को हासिल हो हर खुशी मदीने में, काश लेके जाए जाके जो भी आता है बस यही वो कहता है, जाके जो भी आता है, जाके जो भी आता है बस यही वो कहता है, रहमतें बरसती है हर घड़ी मदीने में। दोस्तों, बुजुर्गों, मोहब्बत रसूल इश्क़ सरकार वो जौहर है कि ये जौहर जिसको नसीब होता है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, और इश्क़ मुस्तफ़ा जिसको नसीब होता है वो अदना से आला बन जाता है, गुमनाम से प्रसिद्ध हो जाता है, बदनाम अगर है तो सरकार के इश्क़ के कारण नेक बन जाता है। और कोई मुसलमान और सरकार का उम्मती सरकार से सच्ची मोहब्बत रखता है और उनकी सुन्नतों पर चलता है तो वो अगर बोरिया नशीन है तो खैसर व खसरा का ताजदार बन जाता है, और वो आशिक नबी जिस तरफ चल देता है उसके साथ एक काफिला चलने लगता है और वो आम से ख़ास बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बारे में और अधिक जानते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहम सम्मान दिया है उसमें आपका कोई शरीक नहीं और ना बराबर हो सकता है। अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम अता किया है वो सभी इंसानों से अलग है, आपका स्थान सबसे आला, आपकी अजमत सबसे जुदा है, आपकी शान सबसे निराली है। रब्बे कायनात ने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। कमली वाले, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा,
तारी बाली बा फड़लई मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना जिन्ने आके गरीबा दी बा फड़लई कमली वाले मोहम्मद तू सदके मैं जा जिन्ने आके गरीबा दी बा फड़लई ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां जिन्ने आके गरीबा दी बा फड़लई इश्क़े बिलाल हो
नबी करीम के यौम विलादत यानी जन्मदिन के मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ साल में एक बार और कुछ घंटों के लिए इस खुशी का इजहार करें और बाकी दिनों में साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के उद्देश्य को भूल जाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो अम्मा की इताअत यानी आज्ञाकारिता में ही हम इंसानों की ज़िंदगी है, इसके बिना इंसानों की हर मैदान में ज़िल्लत और मौत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करें, फिर दूसरों तक इसका संदेश पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी लिखी हुई एक नात के तरह शार पेश कर रहा हूं। नताखत काम आएगी न दौलत काम आएगी, नताखत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी। तो फिर हम दामने खैरुल वरा को थाम लें बढ़कर, तो फिर हम दामने खैरुल वरा को थाम लें बढ़कर, कि कल मैदान महशर में ये निस्बत काम आएगी, कि कल मैदान महशर में ये निस्बत काम आएगी। करो तुम पेश आखा पर दुरूदों के नजराने, करो तुम पेश आखा पर दुरूदों के नजराने, जहां में कामरानी को ये हिकमत काम आएगी, जहां में कामरानी को ये हिकमत काम आएगी। न ताकत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी। मेरे आखा, मेरे आखा जिसे चाहें
बुला लेंगे मदीने में, मेरे आखा जिसे चाहें बुला लेंगे मदीने में। अमीरों मालदारों की न हसरत काम आएगी, अमीरों मालदारों की न हसरत काम आएगी। लहद में जब सवाल हमसे फरिश्ते आके पूछेंगे, लहद में जब सवाल हमसे फरिश्ते आके पूछेंगे, अदा की थी जो दुनिया में वो सुन्नत काम आएगी, अदा की थी जो दुनिया में वो सुन्नत काम आएगी। मैं एक अदना गुलाम उनका निकम्मा और नकारा, मैं एक अदना गुलाम उनका निकम्मा और नकारा, मेरी बख्शिश को बस उनकी ये उल्फत काम आएगी, मेरी बख्शिश को बस उनकी ये उल्फत काम आएगी। न ताकत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी। मक्ता पेश है। उदासी छोड़ दे आदिल के बेड़ा पार है सबका, उदासी छोड़ दे आदिल के बेड़ा पार है सबका, गुलामाने मोहम्मद के ही जन्नत काम आएगी, गुलामाने मोहम्मद के ही जन्नत काम आएगी। न ताकत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र अहमद की मोहब्बत काम आएगी। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे इस विशेष प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी में आपने अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा फ़ख्र कौनो मकान हुजूर सैयद आलम आमिना के लाल साहिब कुरान प्यारे आखा अलैहिस्सलाम मदीने के ताजदार सुनहरी जालियों वाले आखा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और ईद मिलादुन्नबी के बारे में जाना, साथ ही सरकार की सीरत और उनकी अजमत के बारे में भी जान रहे थे। प्यारे आखा की ज़ात ऐसी है कि सारी दुनिया के पेड़ों को कलम बनाया जाए और सारे समंदरों को स्याही बनाई जाए तो मेरे और आपके आखा की मदहसराई वो तारीफ़ वो तौसीफ़ नामुकम्मल होगी। जिस तरह से हमारा मौला रब्बे कायनात सब में एकता है, उसी तरह सारी दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सरवरे अंबिया सब में एकता हैं। मिला शरीफ और यौम विलादत से हमें सरकार से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि उनकी हर सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश की जाए और आखा के बताए हुए रास्ते पर चलें और बुराई व बेहयाई से दूर रहें। आखा करीम से हकीकी मोहब्बत और सच्चा इश्क ये है कि हर वक्त हम और आप बच्चे बड़े पुरुष व महिलाएं मदीने के ताजदार पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहें, उन पर सलाम भेजते रहें और उनकी सुन्नतों पर अमल करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें सरकार की सच्ची मोहब्बत और इश्क अता करें और हमें अल्लाह की इबादत और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक दे, हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों को ईमान की दौलत से मालामाल करे और दुनिया की बातिल चीज़ों से दूर रखे। इसी दुआ के साथ मुझे आज्ञा दें और ईद मिलादुन्नबी बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाएं। आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।